विज्ञान प्रकाश एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, लगातार हम आपकी रैली से आपने जो संदेश दिया, उस एक एक संदेश को पढ़ना चाह रहे हैं, प्रदेश की जनता को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बड़े सियासी मायने हैं। राजभर जी, आप कई जो जिन मुद्दों की फहरिस्त हमने गिनाई, वो लगातार आप पिछले कई दिनों से बात कह रहे हैं कि जो भी मेरी इन सब मांगों पर विचार करेगा मैं उनके साथ जाऊंगा, तो क्या अखिलेश यादव से इन तमाम बातों पर जिनका जिक्र आपने किया, जो मैंने ग्राफिक के जरिए अभी दिखाई, आपकी सहमति बन चुकी है पूरी तरह से या अभी बातचीत जारी? हमारी बातचीत फाइनल है, किसी चीज पे हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोगों की सहमति बन चुकी है। हमने मंच से जो आज महापंचायत थी, वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, सभी लोगों से हमने हाथ उठवा करके माननीय अखिलेश यादव जी के सामने लोगों से पूछा कि बताओ कितने लोग अपना पैसा लगा के आए हो, जरा हाथ उठा के बताओ। तो भीड़ में 98% लोगों ने हाथ उठा के बताया कि हम लोग अपने पैसे से आए हैं। सबसे मज़े की बात तो ये है, सारी पार्टियाँ बीजेपी 500 रुपया दे करके, भोजन दे के, गाड़ी दे के भीड़ मंगाती है, ये अपने पैसे से आए हुए लोग एक एक मुद्दे पर माननीय अखिलेश यादव जी मंच पे थे, एक एक मुद्दे पर जो मैं लड़ता हूँ, एक एक मुद्दे को उन्होंने सराहा है और ये कहा है कि ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर जी की जन्मदिन है, ये चीज़ें होनी चाहिए, यही लड़ाई तो मैं भी लड़ता हूँ। आज दो नेता जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी जुबा चुप रहेगी मगर बात होगी। वाह क्या बात तो है, आज दो दिलों का मुलाकात हुआ है और निश्चित, आज मैं आपको निश्चित गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के छोड़ूंगा। आप देखते जाइए, अभी 14 तारीख को हम बस्ती में कार्यक्रम करेंगे, उसी तरह का कार्यक्रम होगा। 17 को कुशीनगर करेंगे, 27 नवंबर को आपको हरदोई में कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम हमने अपना सब बना रखा है, अपने बलबूते जो हमारी ताकत है। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक और छूटा हुआ सवाल मेरे पास है आपके लिए, मैं आपके पास आऊंगा। विज्ञान के पास चलता हूँ। अभिज्ञान देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक पूरी रणनीति के साथ आए हैं और सबसे बड़ी बात, कुछ पार्टियों का नाम मैंने गिनवाया अभी ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को बताया, तो ओम प्रकाश राजभर उन छोटी छोटी पार्टियों को जो शायद जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, ऐसी पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर लेकर आए, अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर करवाया उन सब लोगों का। इतना जरूरी है, पार्टियां छोटी हैं लेकिन उनका अपने समुदाय, अपनी जातियों में, अपने क्षेत्रों में अच्छा खासा जनाधार है, तो ये जो एक महीन रणनीति से कहा जाए और जो महीन ताना बाना बुना जा रहा है, ये ताना बाना बड़े संकेत दे रहा है, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है। विज्ञान क्या कहना आपका? नहीं, बिल्कुल सही जो प्रकाश राजभर कह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि देखिए यही चीजें छोटी पार्टियों को देकर, छोटी पार्टियों को की पहचान कर, उनके जातिगत समीकरणों की पहचान कर, उनके उन इलाकों में प्रभाव की पहचान कर, इस यही सब कर तो बीजेपी ने अपना सारा ताना बुना बनाया था। ओम प्रकाश राजभर खुद कैसे पहुंचे बीजेपी तक, वो भी तो उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब हो क्या रहा है कि उसका काउंटर ये लोग बनाकर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को 2022 में रोकने के लिए, उसका काउंटर बनाकर ये दे रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। तो यही फॉर्मूला जो सफलता के साथ बीजेपी पहले अपने लिए अपना चुकी है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने ही मदद की थी, इन्होंने ही, जैसा आपकी रिपोर्ट ने सही कहा था कि किसी भी हालत में अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो अब इन लोगों ने ही पोजीशन चेंज की है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जी इसकी अहमियत है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जानते हैं, ये छोटे नेता पार्टी के जो नेता है, ये असल में बिल्कुल नेता, छोटी पार्टियां लेकिन बड़ा दाव जी, ये लोग नए तरह से बुनने की कोशिश कर, बिल्कुल नए तरह से बुनने की कोशिश। अभिज्ञान मैं आपके पास लौटूंगा, ओम प्रकाश जी आपके पास भी, लेकिन यहाँ एक और अहम बात।